गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में केवल एक ही प्रस्ताव प्रशासन ने कमेटी के सामने रखा था। एपीएमसी के सेंटर फैसिलिटी इमारत में 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इस फ्लैट को नवी मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो को किराए पर देने का प्रस्ताव रखा गया, पर इसका किराया 2009 के रेडी रेकनर अनुसार तय किए जाने का दावा रविन्द्र इथाबे ने किया। किराया तय करने के बाद इसका प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया है। प्रस्ताव के विषय में जानकारी अतिरिक्त अंकुश चौहान ने दी। स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन नेत्रा शिर्के ने इस प्रस्ताव को पुनर्विचार कर कमेटी के सामने पेश करने का आदेश दिया। जे प्रशासनाने रेडी रेकनरचा रेट घेऊन जे भाडं ठरवलं पाहिजे होतं, तर त्यांनी ह्या करंट इयरचा रेडी रेकनरचा रेट नाही पकडला आणि त्यांनी मागचा रेटने जे आपण आधी ठरवलेलं रेंट होतं त्याच बेसिसवरती पुढे कंटिन्यू केलं आणि म्हणून हा प्रस्ताव आज प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आलेला आहे आणि त्यांना हे सांगण्यात आलेलं आहे की तुम्ही रेडी रेकनरचा जो रेट आहे त्या हिशोबाने ह्या भाड्याचं कॅल्क्युलेशन करावं आणि मग प्रशासनाने तो प्रस्ताव परत आणावा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन खरात के साथ शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।